तो आ गया। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी बकचोदी जिसे देखकर तुम्हारे दिल गुर्दे और फेफड़ों से बस एक ही आवाज आएगी, डेविड चिचा क्या चूतियापंती कर रहे हो। कुली नंबर वन। जी हाँ दोस्तों, वन मोर रिमेक ऑफ बॉलीवुड। हमारे लीजेंडरी गोविंदा की 25 साल पुरानी मूवी को नेपोटिज्म का तड़का लगाकर पेश कर दिया गया है। बॉलीवुड इतना ज्यादा रिमेक देने लगा, कभी कभी सोचता हूँ इसका नाम बॉलीवुड से बदलकर रिमेक वुड कर दूं। फिर सोचता हूँ चर्सी वुड भी ठीक है। जैसे गुड का ऑपोजिट बेड होता है, व्हाइट का ब्लैक होता है, वैसे ओरिजिनल का ऑपोजिट होता है बॉलीवुड। क्योंकि इन भोसड़ी वालों के पास खुद की स्क्रिप्ट तो होती नहीं है, कभी कभार साउथ वालों से मांग लेते हैं और जब साउथ वाले मना कर देते हैं तो अपनी पुरानी मूवीज को उठा के फेल देते हैं। तो ये सब बातें तो होती रहेगी, हम बात कर लेते हैं कुली नंबर वन की कास्टिंग से। जैसा कि तुम लोगों को पता है ये कॉमेडी जोनर मूवी है और इस मूवी को बनाने वालों को एक बात अच्छे से पता थी कि वरुण और सारा से तो एक्टिंग भी नहीं होती तो भैंचोद कॉमेडी क्या घंटा करेंगे। इसलिए आज तक जितने भी कॉमेडियन थे सबको ठूस दिया गया। डेविड चाचू भी बोले होंगे मेरे बेटे की मूवी है, अब भैंचोद फ्लॉप नहीं होनी चाहिए, सबको ले लो। परेश रावल, जावेद जाफरी, राजपाल यादव, जॉनी लिवर जैसे लेजेंडरी कॉमेडियन को ले ही लिया है तो वरुण और सारा को क्या सजाने के लिए इस मूवी में लिया गया था। और अब बात कर लेते हैं मेन लीड कास्ट की, सारा अली खान एंड वरुण धवन। जी हाँ दोस्तों, भाई सारा खान जिसने गांजा फूकर इतना ज्यादा स्ट्रगल किया था कि रोहित शेट्टी के आंखों में आंसू आ गए। रोहित शेट्टी वही दोस्तों जो गाड़ियां उड़ाता फिरता है। और वरुण धवन अक्का वरुण नाडो दी कापियो को कौन भूल सकता है, जिसने दिल वाले जैसी टट्टी को इंसेप्शन से कंपेयर किया था। सीन इंसेप्शन, यू अंडरस्टूड इट? You liked it? Yes. Then you like Dilwale also. फिर छोड़ो दोस्तों, इस बात को भी इग्नोर करते हैं जैसे ट्रेलर के थंबनेल में सारा अली खान को किया गया। वरुण की ज्यादातर मूवीज वैसे भी या तो रिमेक होती है या पार्ट टू होती है। बद्रीनाथ की दुल्हनिया हम्प्टी शर्मा की पार्ट टू थी, एबीसीडी टू एबीसीडी का पार्ट टू थी और जुड़वा टू जुड़वा की रिमेक थी। और अब कुली नंबर वन फिर से एक और रिमेक। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ डेविड चाचू जब बेबी प्लान कर रहे थे तब क्या सोचे थे, चलो ओवर एक्टिंग की रिमेक पैदा करते हैं। तो बात कर लेते हैं स्टोरी एंड ट्रेलर के बारे में। स्टोरी के नाम पे कुछ झांट मेहनत नहीं की गई है दोस्तों, बस पुरानी स्क्रिप्ट को 4-5 गाने और 8-10 चुम्मा चाटी वाले सीन डालकर रेस कर दिया गया है, जिससे मुठलो और छपरियों का टाइम पास होता रहे मूवी देखते देखते। अगर आपको केआरके की देशद्रोही अच्छी लगी थी तो ये मूवी भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि टट्टी चाहे काली हो या पीली हो टट्टी होती है और हम खाने वालों को रोक नहीं सकते। डेविड चाचू की ये 45th मूवी है, यानी कि 44 बार पहले और चूतियापा कर चुके हैं लेकिन अभी भी अक्ल नहीं आई है। नहीं भैंचो, ये कैसा डांस स्टेप है, ऐसा लग रहा है जैसे सारा को गांजा नहीं मिला और वरुण को कब्ज हो रखे। इतना बुरा चेहरा तो कुणाल कामरा का भी नहीं है। 3 मिनट के ट्रेलर को 30 बार देख लिया फिर भी एक बात समझ में नहीं आई दोस्तों, के कहानी में गाने ठुसे गए या गानों में कहानी, क्योंकि हर 2 मिनट के डायलॉग के बाद में वरुण और सारा फुदकने लगते हैं। और अब बात सारा अली खान की आई गई है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सारा अली खान को किस लिए लिया गया, क्योंकि चुम्मा चाट्टी के अलावा तो सारा अली खान ने कुछ नहीं किया। अब बात कर लेते हैं एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में। अगर इस मूवी में तुम लोगों को एक्टिंग देखनी है तो तुम्हें बस परेश रावल, जावेद जाफरी, राजपाल यादव और जॉनी सर जैसे एक्टर्स की एक्टिंग देखनी पड़ेगी, वो भी स्किप कर करके, क्योंकि बीच में तो वरुण धवन अपनी बकचोदिया करने आ जाएगा। बाकी वरुण और सारा के बस की नहीं है एक्टिंग, में तुम लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो अब सारी बातों की बात हो ही चुकी है तो संगीत के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे मूवी फ्लॉप होने के साथ साथ बद्दुआएं भी मिलेगी, क्योंकि पुराने गाने कितने अच्छे हुए करते थे, अब यहाँ पे इन्होंने ये रंडी रोना कर दिया। कुछ लोग कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है। बक भैंचो, तुमसे 3 मिनट का ट्रेलर नहीं बना, 3 घंटे की मूवी क्या घंटा अच्छी बनाओगे। और जैसा कि तुम लोगों को पता है ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पे रिलीज, यानी कि तुम्हें इस मूवी को देखने के लिए अमेजन प्राइम की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। और अगर मेरी मानो तो दोस्तों, मैं तो ऐसी मूवी को फ्री में देखना भी पसंद ना करूं, अगर मुआवजा मिले फिर भी ना देखूं, क्योंकि एक जो मूवी मैंने देख रखी उसका कपड़ा देखना मेरे बस की नहीं है। एंड बहुत लोग बोलते हैं भाई तेरे थंबनेल तू कैसे बनाता, तो मेरे थंबनेल मैं नहीं बनाता, मेरा भाई अमित बनाता है, उसका चैनल मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में देता हूं, लेकिन तुम लोग जाके चेक नहीं करते, एक बार उसका चैनल देख लेना, वो थंबनेल बनाना सिखा देगा। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में करना, और हां यार 90% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, भाई क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, मैं मेहनत कर रहा हूं ना यार।